नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। भारत में चीनी उत्पादों के खिलाफ जारी है देशव्यापी मुहिम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर भारतीय सेना के लक्षित हमले के बाद पाकिस्तान को मिले चीनी समर्थन से लोगों में काफी गुस्सा है। चीनी उत्पादों के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू हुई मुहिम अब सड़कों पर आ गई है। लोग सड़कों पर उतरकर चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। देश में चीन विरोधी माहौल के चलते चीन से आयात होने वाले सामानों में 20-30% तक की कमी आ गई है। दिल्ली का चांदनी चौक और इसके आसपास के इलाकों में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर खरीदार तो आ रहे हैं, लेकिन इस साल माहौल कुछ अलग है। एक जानकारी के मुताबिक चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील के बाद बदले माहौल में व्यापारियों ने 150 करोड़ से ज्यादा के चाइनीज सामान का ऑर्डर रद्द कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि राफ्ट पहले कारोबार बाद में। चीन के विरोध में व्यापारी नुकसान उठाने को भी तैयार है। भारत और चीन के बीच करीब 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार होता है, लेकिन इसमें भारत की भागीदारी कम है। भारत में चीन से मोबाइल, लैपटॉप, सोलर लाइट, खिलौने, एलईडी लाइट्स, सेट टॉप बॉक्स, कीबोर्ड, डिस्प्ले, ईयरफोन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, टीबी की दवाएं, कुष्ठ रोग की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, पटाखे और सजावट का सामान आता है, जबकि तुलनात्मक रूप से भारत से काफी कम उत्पाद चीन को निर्यात किए जाते हैं। हालांकि सरकार का रुख इससे अलग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक के बारे में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि चीन के उत्पादों के बहिष्कार के बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में भी चीनी उत्पादों के खिलाफ 21 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें स्कूली बच्चों से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने खुलकर भागीदारी की। लोगों का मानना है कि चीन अब तक छिपा हुआ शत्रु था, लेकिन अब वह खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये तो सबको मालूम पड़ गया, पर चीन हमारा छुपा हुआ दुश्मन निकला। विश्व बाजार संगठन के सहयोग से कानूनी दबाव बनाकर भारत में व्यापार तो कर रहा है, पर ये बात अब सबको मालूम पड़ गई कि चाइना आतंकवाद का खुला समर्थन करने लग गया। ऐसा देश जो आतंकवादी पैदा कर रहा है उनका समर्थन करने लग गया। दूसरी ओर भारत में स्वदेशी का अलख जगाने वाले बाबा रामदेव ने कहा कि दीपावली पर चीन के उत्पाद न खरीदें। उन्होंने कहा कि देश में चीन की वस्तुओं का बहिष्कार होना ही चाहिए। चीन तभी समझ पाएगा कि उसके लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और हेडलाइंस पर। कश्मीर में जाकिर मूसा बना बुरहान वानी की जगह हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर। डॉन में खबर छपने के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना का अल्टीमेटम। कश्मीर में आतंकवादियों ने 5 पुलिसकर्मियों से छीन ली बंदूकें, 5ों बर्खास्त। ब्राजील में रोरेमा राज्य की जेल में कैदियों में संघर्ष, 25 की मौत। डोनाल्ड ट्रंप को आशंका, मतदान में हो सकती है धांधली। ये थे तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।